एकजुट होना तो कई यहूदियों से सीखें। अभी G7 जो कि इटली, अमेरिका, इंग्लैंड के संगठन हैं, इन लोगों ने बैठक की है कि इसराइल पर हमला नहीं हो। ईरान और इसराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये लोग ईरान को धमका रहे हैं कि ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। ये 5 जन की खबर बता रहा हूँ, ईरान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, आपने क्यों हमला किया। ये सब चुप थे जब फिलिस्तीन पर हमला हो रहा था। पहली बार इसराइल को किसी ताकतवर देश से पाला पड़ा है जिसका नाम ईरान है। ईरान इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना इसराइल और लेबनान है या सीरिया है। ईरान ईरान है। अरब देशों में, मुस्लिम देशों में ईरान सबसे मजबूत देश है, जिसके पास 5 से 8 लाख सेना है, 10 करोड़ की आबादी है, अपना जहाज है, रॉकेट है, पानी का जहाज है, और सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड डिप्लोमेसी की बात करें तो रूस और चीन उसके साथ है। वहीं सोचिए किस तरह से, तो पहली बार इसराइल का पाला पड़ा है। अभी खबरें छन छन के आ रही है कि इसराइल हमला करेगा। अगर इसराइल, हम मैं लिख के दे रहा हूं, इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल को पता है कोई भी देश हमला उसी पर करता है जिसके पास मिसाइल ना हो, न्यूक्लियर पावर ना हो। ईरान जितना चाहे बम बरसा दे इसराइल पर, क्योंकि वो मरने मारने के लिए तैयार है। आज जो ईरान के जो धार्मिक नेता है खाइमेनी, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट हो। तो यहूदी एकजुट हैं तो मुसलमान भी एकजुट हो सकते हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। ये बात सच है। किस तरह से यहूदियों ने मदद की है इसराइल की, तो अब मुस्लिम देश भी लगभग एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लेबनान में नसरुल्ला को मारा गया, लेबनान पर हमला हुआ, फिलिस्तीन में निर्दोष लोग मारे गए। वहीं दो चीज़ें और छन के आ रही है। सोचिए, इसराइल हमेशा दूसरे देशों के पावर प्लांट पर हमला करता है, बिजली ध्वस्त कर देता है ताकि उस सिस्टम चरमरा जाए, सिस्टम हैंग हो जाए। अब यही बात ईरान ने कहा है कि इसराइल गफलत में न रहे, 1 करोड़ आबादी है इसराइल की और उनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन सोचिए, अभी भी भारत सरकार, भारत में जो भक्त हैं वो इसराइल के साथ हैं। लोग तंज भी कर रहे हैं क्यों इसराइल के साथ है ये लोग, यहूदी के साथ क्यों है ये लोग, ये सब लोग जानते हैं। वहीं ईरान ने कहा है कि ये हिटलर के मानने वाले लोग हैं, जो इसराइल है वो हिटलर को मानने वाला है। और ये बात रूस भी कहता है कि ये लोग हिटलर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हिटलर को मानने वाले लोग हैं, ये लोग नरसंहार करते हैं, जेनोसाइड करते हैं। भारत सरकार ने अब तक हमास को या हिजबुल्ला को टेरर ग्रुप नहीं कहा है। भारत सरकार की पॉलिसी दुनिया जानती है, भारत के जो भी थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब भारत की पॉलिसी को जानते हैं कि भारत की पॉलिसी हमेशा शोषित और मजलूमों के साथ रहा है, वंचित के साथ रहा है, फिलिस्तीन के साथ रहा है। यासर अराफात के युग से भारत के रिश्ते फिलिस्तीन के साथ रहा है, नेल्सन मंडेला के साथ रहा है, तो भारत की डिप्लोमेसी रही है। और भारत चाहता है, भारत दुनिया, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, वो युद्ध नहीं चाहते हैं, वो बुद्ध चाहते हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर है भारत कि उसकी बात, तो इस पूरे बातचीत में भारत की मध्यस्थता हो सकती है, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन भक्त जो हैं वो इसराइल के साथ हैं, तो भक्त पूरी तरह से इसराइल के साथ हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध आपको कहीं नहीं ले जाएगा, युद्ध आपको संकट देगा, मुसीबत देगा, आपकी नस्लों को बर्बाद कर देगा, लेकिन भक्त को कौन समझाए। इस दुनिया में जो आदमी ताकतवर के साथ अन्याय के समय खड़ा रहे, अगर कोई अन्याय, अगर कोई ताकतवर है और वो अन्याय कर रहा है और उसके साथ जो लोग खड़ा हैं, वो समझिए वो वही लोग हैं जो समय समय पर ताकतवर के साथ खड़े रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जब मुगल भारत में थे या जब विदेशी हमलावर आते थे तो उनके दरबारी बन जाया करते थे। ये वही लोग हैं जो अंग्रेज जब थे भारत में तो ये अंग्रेज के दरबारी बन जाते थे। ये वही लोग हैं जो जब कांग्रेस की सत्ता आती है तो कांग्रेस के दरबारी बन जाते हैं, बीजेपी की सत्ता आई तो बीजेपी की दरबारी बन जाते हैं। और ऐसे लोग का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, ऐसे लोग सिर्फ सत्ता के साथ रहते हैं और इनका ईमान अत्याचार है, इनका धर्म अत्याचार है।
सच्चाई, सच्चाई का मतलब होता है, ईमानदार का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो शोषित है, वंचित है, जिस पर अत्याचार हुआ है, जो पीड़ित है, उसके साथ खड़े होइए। और दुनिया जानती है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में फिलिस्तीन गरीब है, लाचार है, बेबस है, उसके जमीन पर कब्जा हुआ है, ये भी बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। और खुद भारत सरकार की विदेश नीति में वो फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देता है। तो अगर आप कब्जा वाले नीति के पक्ष में रहेंगे तो कल यही लोग, जब वियतनाम अभी चीन के खिलाफ लोग खड़े हैं, वियतनाम चीन के खिलाफ, जापान चीन के खिलाफ है, थाईलैंड चीन के खिलाफ है, क्योंकि चीन विस्तारवादी नीति अपनाता है, तब ये लोग चीन के साथ खड़ा हो जाएगा। जो मजबूत है उसके साथ ये लोग दिखना चाहते हैं, ये इन लोगों की पॉलिसी होती है, और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन भारत सरकार की पॉलिसी क्रिस्टल क्लियर है, भारत फिलिस्तीन के साथ है, ईरान के साथ है, भारत युद्ध नहीं चाहता है, वो चाहता है कि पूरे मसले का हल बातचीत से हो, जो G7 कह रहा है। अमेरिका भी अंदर से हिला हुआ है, अमेरिका बिल्कुल इजराइल को मना कर चुका है कि आप ईरान पर हमला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान न तो फिलिस्तीन है और न ही लेबनान है, ईरान के पास मिसाइल है, 5 से 8 लाख उसकी सेना है और 10 करोड़ की उसकी आबादी है, और वो भी बॉर्डर लगता है किसका, इजराइल का। तो कभी भी दो न्यूक्लियर वीपन वाले देश आपस में लड़ेंगे तो सोचिए, अंदाजा लगाइए कि क्या होगा, मानवता खतरे में पड़ जाएगी, और ये 21वीं सदी है। तो अमेरिका इस बात को समझ रहा है और दुनिया को इस बात को समझना चाहिए, और लोग कोशिश करें। इजराइल, मैं फिर कह रहा हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया है, लेकिन इस युद्ध से एक सबक जो मिलता है कि आपको धर्म के साथ साथ फिलिस्तीन और लेबनान के पास अगर हथियार होता, जैसे ईरान के पास है, मिसाइल होती, जहाज होता, जब तक आप ज्ञान विज्ञान पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा, आप कमजोर रहेंगे। तो आज के समय में एटम बम, आज के समय में सुपरसोनिक फाइटर प्लेन, ये सब, इजराइल तकनीकी रूप से जरूर मजबूत है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से दुनिया, यहाँ तक कि इजराइल ने, सोचिए किस तरह से UN के प्रमुख को बायकॉट कर दिया है। तो खुमैनी ने जिस तरह से कहा है कि दुनिया भर के मुसलमान एक हो, वो एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान ने साफ साफ कहा है कि हमारे देश पर हमला करना इजराइल को महंगा पड़ेगा। और सोचिए, इजराइल इस पूरे खेल में एक दिन इजराइल नुकसान में आएगा, वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर ले, ये संभव नहीं है क्योंकि अब तक नहीं हो पाया है, वो लेबनान पर कब्जा कर ले, ये भी संभव नहीं है, जब रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि यूक्रेन को पूरा यूरोप मदद कर रहा है, क्योंकि वहां यूक्रेन पीड़ित है, रूस चाहकर भी इस युद्ध से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि अमेरिका मदद कर रहा है, उसके पूरा यूरोपियन देश मदद कर रहे हैं, और वही चीज फिलिस्तीन और हमास के साथ है, चीन रूस जैसे देश खुलकर मदद कर रहे हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। चीन चाहता है कि हमारा मार्केट बढ़े और खासकर मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम कंट्री में हमारा सामान बिके, जहां भारत का वर्चस्व है इन बाजारों पर, तो उसकी अपनी पॉलिसी है। रूस चाहता है, इसलिए रूस ईरान और फिलिस्तीन के साथ है क्योंकि उसे अमेरिका से बदला लेना है, वो समझौता इसी बात पर करेगा कि या तो अमेरिका यूक्रेन का पीछे मदद करना छोड़े, तब वो ईरान फिलिस्तीन की मदद करना छोड़ेंगे। तो रूस का और चीन का अपना नफा नुकसान है, लेकिन ईरान इस युद्ध में किसी भी कीमत पर, पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि उसको गंवाने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन इजराइल सबसे ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा, उसकी 1 करोड़ की आबादी है, कितना भी जहाज उड़ा ले, कितना भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन 1 करोड़ की आबादी वाला देश 10 करोड़ की आबादी वाले देश से नहीं लड़ सकता है, वो भी तब जब पड़ोसी देश हो। अगर इजराइल अमेरिका होता, सात समंदर पार होता, दूर होता, सोचिए, चीन इतना मजबूत देश है, उसके बाद भी वो जापान से नहीं लड़ता है, ताइवान से नहीं लड़ता है, थाईलैंड से नहीं लड़ता है, वियतनाम से नहीं लड़ता है, वो सिर्फ धमकी उमकी चलता रहता है। आप पड़ोसी से नहीं लड़ सकते हैं साहब, पड़ोसी जो होते हैं वो बहुत मारक होते हैं, आप पड़ोसी से नहीं लड़ सकते हैं। जैसे अमेरिका
क्यूबा से नहीं लड़ पाता है, क्योंकि वो उसका पड़ोसी देश है। क्योंकि पड़ोसी देश का 100-200 किलोमीटर का जो मिसाइल है ना, वो आपके देश में भी पहुंच जाएगा। तो ये फर्क है, और यही इजराइल गच्चा खा गया है। और धीरे धीरे इजराइल जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है, अपना दुश्मन पालता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये युद्ध अब अंतिम मुकाम पर है, या तो ये युद्ध इजराइल को रोकना पड़ेगा या महाविनाश होगा, महाविनाश। और जो लोग भी आज इजराइल के साथ हैं, जिनको लगता है कि इजराइल मजबूत है, ये वही लोग हैं जो हमेशा से, जब मुगल थे तो मुगल के साथ खड़े थे क्योंकि वो सत्ता में थे, अंग्रेज के साथ खड़े थे। भारत सरकार की पॉलिसी हमेशा पीड़ित के साथ खड़े रहने की है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।